सबसे पहले आप सभी को शुभाशीष। आज का विषय काफ़ी रोमांचक और बहुत ही गहनीय विषय है। आपको सुन के और सुनने में काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि आज का विषय है राम जन्मभूमि का पदार्पण और उसका भविष्य क्या कहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा जो ये शो करेगा कि क्या सच में हम अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो रामायण होने वाली है। यदि रामायण होने वाली है तब फिर ये कैसा होगा, क्या सच में बहुत महाप्रलय या महाविध्वंसकारी युद्ध होगा, और क्या यही अखंड भारत का निर्माण करने वाला है। तो चलिए, मैं आपके सामने कुछ पांच छह पॉइंट्स हैं जो उस राम जन्मभूमि की जो डेट सरकार के हिसाब से घोषित की गई है, जिस समय वो होगा उसको देखते हुए मैंने, और पंचांग को देखते हुए और कालखंड को देखते हुए मैंने कुछ विवेचना की है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कालखंड। सबसे पहले उस दिन पंचक है। पंचक जब भी होता है, आप समझ लीजिए जो वो ट्रस्ट है, मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसको हार्मफुल होता है। सबसे पहली बात तो कि पंचक के दिन मेरे हिसाब से न्यू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो उसके आसपास जो उसके क्लोज रिलेटिव्स होंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मतलब कुछ घटना हो सकती है जो हित में नहीं होगी। जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत जिस समय देहांत किए थे उस दिन पंचक था, इंडियन आर्मी जब मरी उस दिन पंचक था, क्या हुआ, सुशांत जिस दिन मरा साथ में उसकी क्लोज रिलेटिव मर गया, इंडियन आर्मी मरे, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट चल गया। तो पहली बात तो जिस दिन न्यू रखा रही है 5 अगस्त को, उस दिन पंचक है, पूरा दिन पंचक है। सबसे पहली चीज़ की पंचक। अब पंचक और ये रामायण का नियति कैसे है, आपको ध्यान होगा जब भगवान राम निकले थे वनवास की ओर तो एक बस ये था, वनवास तो था नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक ऊर्जाओं का संहार करना। अब देखिए, जब भगवान वहाँ से अपने घर को छोड़े हैं, मतलब घर को छोड़े मतलब अपने पदार्पण किया, जिस प्रकार वो अयोध्या में पदार्पण करने वाले हैं, तो क्या हुआ था, उनके पिताजी का मतलब पुत्र मोह में उनके पिताजी का देहांत हो गया, दशरथ जी का देहांत हो गया था। पंचक मतलब पंचक पितृ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जाएगा जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे, मतलब अब जो राम जन्मभूमि है उसमें जो भी क्लोज, मतलब सनातन धर्म या जो भी ट्रस्ट के जो भी साधु होंगे उन पे इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट जाएगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ से एक भगवान राम का जो पैर है वो शत्रुओं के संहार के लिए पहला स्टेप यहाँ से निकल जाएगा। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार नियति ने फिर से अपने आप को दोहरा रहा है राम राज्य स्थापित करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है, नियति फिर से दोहरा रहा है अपने आप को राम राज्य स्थापित करने के लिए, और फिर से एक रामायण होने वाला है। पंचक हो गया। दूसरा बात, उस दिन तिथि है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष स्टार्ट नहीं है, उस दिन से कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगी। भगवान राम का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को, मतलब प्रकाश का प्रतीक था, तो अभी दीपावली नहीं होगी, अब कृष्ण पक्ष में न्यू रखी जा उस दिन न्यू रखी जा रही है, मतलब कृष्ण पक्ष नेगेटिव एनर्जी, मतलब भगवान राम वहाँ से समझ लीजिए, अब जो मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था कि 2020 से लेकर 2029 के बीच में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा चेंज है, वो समझ लीजिए यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया भगवान राम ने रामराज के रूप में। जब वो अपने महल को छोड़े थे तो क्यों निकले थे, नेगेटिव एनर्जी को मानने के निकले थे। नेगेटिव एनर्जी कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या की तरफ बढ़ते रहते हैं हम अंधकार की ओर, पहले अंधकार छटेगा तब सवेरा उगेगा तब सूरज उगेगा, अंधकार छटेगा सूरज उगेगा, और भगवान राम की जिस दिन नींव रखी जा रही है उस दिन कृष्ण पक्ष तिथि है। अब कृष्ण पक्ष है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए इस टाइम से असुरों का संहार होना अब तो निश्चित है। अब समझ, एक चीज़ गारंटी हो चुकी है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो श्योर बनेगा फ्यूचर में 2045-47 के बीच में। तीसरी चीज, ये जो 5 अगस्त है ये बारिश के मौसम में हो रही है। अब देखिए इसमें बारिश चलती है, और देव शनि एकादशी होने के बाद से कोई भी देवता या शुभ काम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़, कोई शुभ काम नहीं होता है। भगवान राम जब निकले महल से तो वो कोई दीपक नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, सब प्रिपरेशन चल रहा था, सब कुछ बंद हो चुका था, कुछ नहीं, सब दीपावली सब बंद, खाली क्या था, असुरों को मारना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बारिश के मौसम ये देवशन एकादशी से लेके दीपावली की जो एकादशी होती है इसके बीच में कोई शुभ काम नहीं होता है, ठीक है। अब कोई शुभ काम नहीं होता इस समय किसका वास होता है, इस समय वास होता है माँ धूमावती का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक दीपावली के दिन पहले पड़ता है नरक चतुर्दशी,
उस दिन हम अलक्ष्मी की पूजा करते हैं, और एक महाविद्या होती है उसमें हम बोलते हैं धूमावती माँ। धूमावती माँ का ये जो बारिश का मौसम है उसमें उनका पूरा अपने ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, पूरा बारिश का मौसम उनका कंट्रोल रहता है, क्योंकि धूप बहुत कम देखने मिलता है। वो एक स्मोकी है, वो धुएँ है, धुआं मतलब धुएँ को करती है वो, और वो विधवा है, अकेले रहना पसंद करती है वो अकेले। अब देखिए इस समय सीता माँ का भगवान राम के साथ विछोह हो गया था, विधवा नहीं थी मगर वो अकेले थी, एक साधिका के रूप में थी। धूमावती माँ भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। सीता माँ जहाँ बैठती है वहाँ सारा चीज़ का संहार करके आती है, मतलब महासंहार पूरे जड़ से ख़त्म कर देती है। अब देखिए नियति क्या बोल रहा है फिर से, इसी समय नींव रखी जा रही है जिस समय धूमावती एक्टिव है। माँ धूमावती या पढ़ें धूमावती प्रलय की देवी है, महादेवी है, जो सब कुछ को नष्ट कर सकती है एक बार में। सीता माँ गई पूरे रावण कुल को नष्ट कर दी। अब यहाँ से क्या सीता माँ अपने आप को इस टाइम पे एक्टिवेट कर रही है, अब एक्टिवेट हो रही है तो जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जिसकी जो राम राज्य में बाध्या करेगा, राम राज्य मतलब हिंदू राष्ट्र, सिंपल बात, क्योंकि भगवान राम जो थे वो भगवा वस्त्र थे। जो भी नेगेटिव फोर्सेस आएंगे वो सारे चीज़ को माँ सीता पूर्णता से, अब मैं देख तो नहीं सकता हूँ कि सीता कहाँ है, माँ सीता कहाँ पे है, लेकिन उनका पदार्पण इस एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट अभी कालखंड चल रहा है ब्रह्मांड में, बारिश का मौसम जिस समय देवशानी एकादशी हो चुकी है, माँ धूमावती एक्टिव हो गई है, तो सीता माँ माँ धूमावती के रूप में भी एक्टिव हो चुकी है, जो भगवान राम को पूर्णतः सहायता करेगी उस नेगेटिव फोर्सेस को पूर्णतः से समाप्त करने में। चौथा जो आप बोल सकते हैं तारीख है 5 अगस्त, और यदि मैं उस दिन की तारीख को पूरा ऐड करूंगा तो 5 अगस्त 2020, सबको ऐड करेंगे तो 17 नंबर आएगा, और 17 को भी ऐड करेंगे तो 8 नंबर आएगा, तो 5 अगस्त का 5 और टोटल को ऐड करेंगे तो 8, 8 नंबर शनि का है, काल का है। 5 नंबर जो होता है आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 5वां घर जो होता है सूर्य सिंह राशि का होता है, वहाँ पर सूर्य होता है। भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, रघुवंशी थे। देखिए भगवान राम किस दिन अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जिस दिन नंबर 5 है सूर्यवंशी, और 8 नंबर जो होता है वो शनि, वो महाकाल का प्रतीक है, महाकाल का कृपा है उन पे। और इस मंदिर को बनने में और इस मंदिर का इम्पैक्ट युगो युगांतर तक रहेगा, क्योंकि जब भी शनि चीज़ आता है, जो चीज़ समय काल, जो काल के समय में काल खंडित कर दिया जाए, क्योंकि काल खुद 8 है। अब मैं 8 तारीख को कुछ कर दूंगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। इस प्रकार देखिए मोदी ने 8 नवंबर को किया डिमोनेटाइजेशन, उसका इम्पैक्ट कितना झेलना पड़ा, GDP तो से गिरी हुई है। अब ये मंदिर जब ये होगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और कैसे जा रहा है, क्योंकि बताया कि 5 तारीख जो है वो कार्पस कुंडली में सिंह राशि होती है, सिंह राशि भगवान राम जो है सूर्यवंशी थे। अब देखिए भगवान राम ने अपने आप को खुद स्थापित किया 5 अगस्त को, जिस समय बारिश का मौसम में देवशनी एकादशी एक्टिवेट होगी, मतलब माँ धूमावती एक्टिवेट, सीता माँ भगवान राम से विछोह में चल रही है पहले से ही। देखिए समय कैसे दोहरा रहा है, माँ दिख नहीं रही है, माँ उनसे विछोह में है, उनके साथ नहीं है, एक पूर्णता सती बन के बैठी हुई है जो नेगेटिव फोर्सेस को नष्ट करने वाली है। और सबसे आखिरी चीज, सिंस राम राज्य का स्थापना हो रहा है तो आपको याद होगा रामायण में क्या हुआ था। रामायण में भगवान राम को एक देश से दूसरा देश जाना पड़ा था, इंटर कंट्री, मतलब भारत, हम जो बात करते हैं बार बार अखंड भारत, मतलब दूसरे कंट्री, मतलब इंडिया का लड़ाई जो बहुत महाविनाशकारी लड़ाई होगा वो इंटर कंट्री होगा, मतलब किसी बाहर के कंट्री से होगा जो उसका पड़ोसी होगा। जिस प्रकार श्रीलंका उस समय इंडिया का पड़ोसी था, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ और इंडिया जीता तब कुछ बहुत फेमस हुआ, उस तरह इंडिया का पड़ोसी से ही लड़ाई होगा जो बहुत ही महायुद्ध होगा, और इंडिया उस कंट्री को पूर्णता से नष्ट कर देगा, उस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देगा, तब जाके इंडिया राम राज्य और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर एक पूर्णता से हिंदू राष्ट्र कहला पाएगा। तो मैंने आपके सामने एक बात रखा, एक विवेचन रखा कि किस प्रकार वो 5 अगस्त 2020 एक कालखंड फिर से नियति या समय बोले या राम राज्य अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, और फिर से राम राज्य स्थापित होने की ओर हम बढ़ चुके हैं। आप सभी को इस राम जन्मभूमि के लिए जो भगवान राम की उद्घोषणा हो रही है, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि भगवान राम अब तो वहाँ से 5 अगस्त से जब अपना पदार्पण करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, जब तक रामायण ख़त्म नहीं हुई थी तब तक सिर्फ और सिर्फ भगवान राम शत्रुओं को मार रहे थे, मतलब इंडिया में
पूरे 10 साल तक और पूरे वर्ल्ड में, आप समझ लीजिए उस दिन से छोटे मोटे या कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होते ही रहेगा। मतलब शांति अभी कम रहेगा, अभी ज़्यादा लड़ाई होते रहेगा, क्योंकि अभी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव धीरे धीरे ख़त्म होंगे, पॉजिटिव की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अभी माहौल 10 सालों के लिए 2029 तक माहौल बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा और नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे पूर्णता से ख़त्म किया जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को सावधान रखें, साधना करते रहें और पूर्णता से अपने आप को माँ बगलम की साधना में लगाएं, ताकि अपने और अपने परिवार को सलामत रख सकें। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, नमः शिवाय, नमस्कार।